नमस्कार, राम राम। कैसे हैं किसान भाइयों? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। आज रो एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर आज फिर से जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आवक है, ग्राहकी आज कैसी क्या देखने को मिल रही है और प्याज के भाव में आज क्या कुछ उठाव बनता नजर आ रहा है। तो कम्प्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और जो भी प्याज के अपडेट बताएंगे किसान साथियों 40 किलो मन के हिसाब से और किलो के हिसाब से प्याज के अपडेट बताएंगे। तो अपडेट को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए किसान दोस्तों, जानते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार। किसान भाइयों, दिल्ली में लगातार जो है 2-3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण जो है ग्राहकी कम है और जो है बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो बैलेंस बढ़ने का कारण है कि प्याज के भाव में या तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी अगर मौसम खुलता है दिल्ली आजादपुर मंडी में, या फिर आपको उछाल भी प्याज के भाव में देखने को मिल सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है प्याज के भाव को लेकर। तो जैसा कि किसान भाइयों प्याज के भाव की बात करें तो प्याज के भाव दिल्ली आजादपुर मंडी में आज लगभग 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं और प्याज के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा। जैसा कि किसान भाइयों, प्याज के भाव सेम बने हुए हैं। जो भाव प्याज बिक रहे थे आज भी जो है प्याज के भाव वही बिक रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है किसान भाइयों प्याज के भाव को लेकर कि आप जो है दिल्ली आजादपुर मंडी या किसी भी मंडी में जो है प्याज के भाव डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों। सिर्फ ग्राहकी कम हुई है बरसात के चलते। और प्याज के भाव की बात करें तो प्याज के भाव जो है जैसे तैसे बने हुए हैं, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा। तो किसान भाइयों सबसे पहले आज बात करेंगे राजस्थान के प्याज की। तो राजस्थान के प्याज की क्वालिटी आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये राजस्थान के प्याज की क्वालिटी है और ये आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों सुबह सुबह 1300 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति मन के हिसाब से, अगर हम इसे किलो के हिसाब से जाने किसान भाइयों तो 33 रुपए से लेकर 35.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और किसान भाइयों बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्याज की। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में जो मध्य प्रदेश के प्याज की गाड़ियां पहुंची हैं किसान भाइयों, उनका पोजीशन किसान भाइयों सुबह सुबह जो है 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति मन के हिसाब से। और किसान भाइयों जो सुपर क्वालिटी बिल्कुल जो मासाकोर प्याज है वो लगभग 1350 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति मन के हिसाब से। और किसान भाइयों बात करेंगे नासिक के प्याज की। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में नासिक के प्याज की क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये नासिक के प्याज की क्वालिटी है और ये बहुत ही सुपर क्वालिटी है किसान भाइयों। ये आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 32 रुपए से लेकर 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और इसके साथ साथ किसान भाइयों बात करेंगे पूना के प्याज की। तो पूना के प्याज ही दिल्ली आजादपुर मंडी में बढ़िया क्वालिटी के पहुंचते हैं और पुणे के प्याज की आज जो पोजीशन रही दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों 34 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और ग्राहकी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली आजादपुर मंडी में लगातार जो है 2 दिन से बारिश होने के चलते ग्राहकी कम निकल रही है और प्याज का बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो लगभग आज अगर बरसात रुकने के बाद ग्राहकी निकलती है तो लगभग 30 से 35 गाड़ियां बिकने की उम्मीद है। टोटली अगर प्याज के भाव की बात करें दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों तो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति मन के हिसाब से इस समय प्याज के भाव बिकते नजर आ रहे हैं। तो किसान भाइयों ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज का ताजा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से दिया। वीडियो और जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें।